हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए, बिकॉज इस वीडियो हम सीखेंगे कि कंक्रीट क्यूब का वेट कैसे निकालते हैं और उसके साथ साथ कंक्रीट क्यूब की डायमेंशंस क्या होती है, उसकी लंबाई, चौड़ाई, उसकी थिकनेस और उसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट डेंसिटी वेट मेटल के, जो कि ऑलमोस्ट मतलब कि मोस्टली इंटरव्यू में, अगर आप एक सिविल इंजीनियर हैं तो मोस्टली इंटरव्यू में पूछे जाते हैं कि स्टील का वेट, पीसीसी का, आरसीसी का, सीमेंट का, जो कि आपकी बिल्कुल ज़ुबानी होनी चाहिए। अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है तो रियली आपके लिए नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। तो वीडियो को टिल लास्ट देखिए, तो आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर हेल्प करेगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को अच्छी से लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डेंसिटी वेट है, इन चारों का तो आपको बिल्कुल ज़ुबानी याद होना चाहिए। स्टील का जो डेंसिटी वेट होता है 7850 kg होता है एक क्यूबिक मीटर में, ठीक है, लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। पीसीसी का जो वेट होता है 2400 kg होता है एक क्यूबिक मीटर में। आरसीसी का जो वेट होता है 2500 होता है केजी में, 2500 kg होता है एक क्यूबिक मीटर में। और सीमेंट का होता है 1440, ठीक है। अब बात करते हैं कंक्रीट क्यूब की। कंक्रीट क्यूब की जो डायमेंशंस होती है, जिसमें हम टेस्टिंग करते हैं, डालते हैं क्यूब को, मतलब कि कंक्रीट को, उसकी जो लेंथ होती है 150 mm, 150 mm होती है। उसकी जो चौड़ाई होती है 150 mm होती है। उसकी जो हाइट होती है 150 mm होती है। ये क्यूब है, इसकी चौड़ाई बोल लीजिए, हाइट बोल लीजिए, उसकी ये बोल लीजिए, ठीक है, लंबाई चौड़ाई थी इसकी जो, तो तीनों जो चीज़ें होती हैं 150 50 50 होती हैं। तो अभी इसका वॉल्यूम हमें निकालना है। वॉल्यूम जब निकालते हैं उसमें तीन चीज़ लेते हैं, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। चेंज इन, इसको हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि जो तीनों जो डिजिट हैं तीनों जो डिजिट हैं आपकी एमएम में है, तो इसको एमएम से मीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो मीटर से एमएम में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से डिवाइड करते हैं, तो 150 डिवाइड बाई 1000 एंड 150 डिवाइड बाई 1000। तो जिसको हम इसको हमने कैलकुलेट किया तो 0.15 एंड 0.15। तो अब हम तीनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आता है आपका 0.00 3375। एक मतलब इसी जो है वॉल्यूम आ गया, इस कंक्रीट क्यूब का जो वॉल्यूम है 150 150 150 का हमने फिल किया, उसका जो हमने कैलकुलेट किया तो उसका जो वॉल्यूम आया है 0.00 3375 आ गया, ठीक है। अब हम इसका हमें इसका निकालना है वेट। तो जो मास जो होता है, डेंसिटी टू वॉल्यूम होता है, तो जो वॉल्यूम जो डेंसिटी जो होती है उसकी कॉन्क्रीट की मतलब पीसीसी की, अगर आपने कहा सरिया डला है तो आरसीसी हो गया, अगर सरिया नहीं डला है तो आपका पीसीसी हो गया। तो ये आपकी डेंसिटी है पीसीसी की कंक्रीट की इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है क्यूब का, 0.00375। तो हमने इसको जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो आएगा आपका 8.1 kg। तो आपका